तुम देना साथ मेरा वो हम नवा। जिसे आप ले जा रहे हैं मिस्टर कपूर, वो मेरी जिंदगी ही है। और जिंदगी पे कोई क्या कीमत लगा सकता है। खैर, आप शायद मेरी बात नहीं समझेंगे क्योंकि आपको तो हर चीज प्राइस टैग के साथ ही नजर आती। और रहा सवाल आकांक्षा का आपके पास आने का, तो यथू के सो जाने के बाद वो कभी भी जाने के लिए आजाद। ₹10 करोड़ की कीमत लगाई उसने तुम्हारी। मानव वो तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करना चाहता। तुम्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं? नहीं, 10 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है। जब औरत की कीमत लग जाए ना, बेशक कीमत कितनी भी बड़ी क्यों ना, औरत बहुत छोटी हो जाती। पार्टी की तैयारी करता हूँ, सेलिब्रेशन में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। हमने ये सजा पाई तकदीर जहाँ साथ। ऐसे अधमरे रिश्ते के बोझ तले जीने से तो अच्छा है कि उस रिश्ते को ही मार डालो। जिन रिश्तों में कांटे उग जाए ना, उन्हें थामे रहने से अपने ही हाथ जख्मी होते हैं। इसलिए बेहतर होता है कि उन रिश्तों को हम छोड़ दें। इसी में समझदारी है। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा। मैं यथू के सिर पे हाथ रख के कसम खाती हूँ मानव, मैं तुम्हारा ट्रस्ट कभी नहीं तोड़ूंगी। किसी का कुछ भी इरादा हो, और मैं हमारे रिलेशन पे कभी आंच नहीं आने दूंगी। जिंदगी में तुम्हारे सिवा तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा, ओ हम मैंने प्रोफेशनल डेकोरेटर्स अरेंज किए थे, लेकिन तुमने उन्हें भगा दिया क्योंकि मैंने उन्हें बुलाया था। मैंने उन्हें इसलिए भगा दिया क्योंकि हमेशा से हम दोनों यतु के बर्थडे की डेकोरेशंस करते आए। यतु का 4th बर्थडे याद है, हम दोनों ने पहली बार केक बनाने की कोशिश की थी। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर। अच्छा, सबको मालूम है, सबको खबर हो गई। अबे अभी बता तू। मानव नो, मानव नो, स्टॉप इट। मैंने तुम्हें इतना सा लगाया और तुमने इतना ज़्यादा। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। सीधा सीधा क्यों नहीं कहती है? मानव जा, मर जा। क्या तुम मुझसे बात नहीं करोगी तो मैं जीऊंगा कैसे? तब ऐसे नहीं बोलते। साफ कर। आइदा आप पका के केक खाया। यादें बड़ी अजीब होती, जिनके साथ बनाओ वो साथ छोड़ देते हैं, लेकिन यादें रह जाती हैं। हाँ मुझे याद है, तुम बाहर से अच्छा केक नहीं मंगवाना चाहते थे, इसलिए मुझे घर पे ही बनाना पड़ा। उस घर के बने हुए केक में जो प्यार था, जो खुशी थी ना, वो बाहर के केक में कभी नहीं मिलती। मुझे लगता था कि सच्ची खुशियां पैसों की मोहताज नहीं होती। मैं यतु को लेने जा रहा हूं। प्लीज उसे मत बताना कि तुम आज छोड़ के जा रही। सही वक्त आने पर मैं खुद बताऊंगा। मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगी, प्रॉमिस। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.